भी नीचे होता है नीचे। देखना तो लग ठीक से लेना, जैसे गुनगुन दी ली थी गला में हाथ देख के। नहीं उसको कितना मन लग रहा है सर। अभी तो लेके किधर न जाए को छोड़ने उन्हें जाएंगे। मेरा ट्यूमर आप देखे थे मम्मी, मेरा ट्यूमर आप देखे थे डिब्बा में मोबाइल में? हाँ देखे थे कितना गो था। उसी ना हम सोचे थे इसे हिले नहीं पाते थे, हिले नहीं पाते थे, इतना बड़ का ट्यूमर था। डॉक्टर बोला था कि वो ट्यूमर बोले अभी तक गोटा कैसे है, वो ट्यूमर अभी तक बोले अभी तक इतना में ब्लास्ट हो जाना, मतलब जितना बड़का वो था ना ब्लास्ट हो जाता, अभी तक बहुत मैंने भयंकर था लास्ट स्टेज। हाँ हाँ चप्पलें हैं मच्छर काट लेते दुनी। आज रात को एगो कहां से मच्छर हुआ यहूं बोले चाहे। हां हां मुंह खोली खोली के हाय रे मुंह में चुमा ले लियो बेटा तो यहां खाई छो ले बोले छ की बोलबे की बोलबे एकदम न कुक सब गुनगुन वाला छे सब। हम फेसबुक पे देखे ना दिखाए ना हम फेसबुक पे बिंदिया बना के उसे भेजी है कि इसे करके फ्यूचर में मतलब ऐसा नहीं तो 90% ऐसा मिल जाएगा। छोटी आंटी दोनों लगेगा कि एक ही बहन है ना। हाँ एक ही घर का देख 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 कपड़ा। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी भी 12 बजने में 10 मिनट लेट है तो इसी वजह से गुड मॉर्निंग। और मैं ना सुबह से उठ के अभी 12 बजने को आ रहा है पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब बेबी लेके मैं बस इसे अभी सुलाई हूँ, पता नहीं कितने देर सोएगी क्योंकि दिन का नहीं इसका बहुत ज़्यादा ही कच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पतला है, तुरंत सो के उठ जाती है। तो अभी जस्ट सोई है और मैं इसे ढक के जाके जल्दी जल्दी जो भी काम होता है निपटाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर पहले मेरे मदर इन लॉ सारी बहनें इसकी आई थी, इसको खिला विला के गई है और अभी जस्ट मैं इसको सुला के जस्ट चाय पिया है मैंने, चाय और बिस्किट खाया है मैंने खा के, और अब जा रही हूँ मैं बाकी के सारे काम निपटाने। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने रात के कोई भी काम नहीं निपटाया है रोने के वजह से, और आज भी मतलब ढूंढ रही है नानी नाना किधर हैं, मतलब इतने दिनों से रह के आई है तो चेहरा एक पहचान में आ ही जाता है ना, सो सबको ढूंढ रही है वो पर कोई मिल तो नहीं रहा है इसलिए रह नहीं रही है। तो अभी जस्ट सोई है और जा रही हूँ मैं अब जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाने, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ या फिर रखते ही उठ जाती है क्या होता है देखती हूँ, और मिलती हूँ काम वगैरह करके। सो जल्दी से मैं बाबू को सुलाने के बाद किचन में आ गई थी और किचन का हालत थोड़ा सा ज़्यादा आज मैसी लग रहा है क्योंकि पिछले रात को मैंने सफाई नहीं किया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था ना, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है तो दिन का 12:30 होने चला है तो अभी भी किचन का हालत सिर्फ चाय पी के वैसे ही पड़ा हुआ है। और जस्ट मैंने देव बाबू को सुला के और यहाँ पे किचन में आई थी और सुला के बस थोड़ा सा मैंने बर्तन धोया था और बाबू को मतलब देव घर में आया और बेल बजाया, बस बेल का आवाज़ सुन के उसे अभी बेल की आदत नहीं पड़ी है ना इसी वजह से वो उठ जाती है, सोचती है क्या चीज़ का आवाज़ है, धीरे धीरे आदत पड़ते पड़ते पड़ेगी। तो यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सफाई कर पाई थी मैं और उसके बाद जाके बाबू मेरी उठ गई थी बेल की आवाज़। सो इतना ही बर्तन धोते धोते ये सारे बर्तन मैंने अभी धोए और भी अभी ये गमला खाली करके इसे धोना ही था लेकिन गमला में इतना ही बर्तन था तो मैंने धो लिया। यहाँ का मुझे ये सब कुछ धोना है अभी, ये सब सब कुछ धोना है, सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है जैसे तैसे, ये सब धोना है। धोने से पहले देव आया, बेल बजाया, आवाज़ हुआ, मेरा बेटी उठ गई। अब मुझे ये सब बीच में छोड़ के ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा, बस मैं चावल बैठा देती हूँ ताकि देव को भूख लगे तो वो खा पाए और बाकी का काम मैं उसको फिर लेके धीरे धीरे करूँगी। और मुझे झूला में बिस्तर करना पड़ेगा, उसको यहीं पे लेके बोलते रहना पड़ेगा और फिर काम भी करना पड़ेगा।
और ये देखिए मेरी बेटी को इतने अच्छे से सुलाने के बावजूद तुरंत ही सो के उठ गई थी, तो देखिए कैसे देख रही है अभी। उठी है माँ, उठी है बाबू, उठी है अली बाबले, उठेगी उठेगी, आ जा मेरा बेटी है। मेरा बेटी है गुमा, मेरा छोनी माँ है, मेरा मोनी माँ है, अच्छी चावल जो है मैंने पकने के लिए रख दिया है और दीप नीचे खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ। तब तक मैं मेरी बेटी की साफ़ सफाई और जो तेल लगाने का काम है वो कर रहती हूँ। मैं यहाँ पे अभी तेल को जो पतंजलि का कच्ची घानी है ना, सरसों का ऑयल, वही यूज़ कर रही हूँ। ठंडी के दिन होता तो जॉनसन बेबी ऑयल या फिर कुछ और यूज़ करती, सॉरी ठंडी बोल रही हूँ, गर्मी का दिन होता तो, पर अभी ठंडी है तो अभी सरसों का तेल सही है। शुरू से मम्मी लगा के आई है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ है। सो शुरू से हम लोग ने तो 2 महीना तक नहीं लगाया था, ये 15 दिन करीब से लगाना स्टार्ट किया है, तो सही है वो सूट कर गया है। मेरी बेटी को कोई रिएक्शन नहीं निकला था इसका। सो ये पतंजलि का कच्ची घानी है, मैंने मंगवाया है तो अभी इसको डायरेक्टली मैं वहाँ से लेके अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से तेल मालिश कर दूँगी, 2-3 बार दिन में इसका तेल मालिश करती हूँ मैं। सो वहीं यहाँ पे उसके साथ बात करते करते मुझे तेल मालिश करना पड़ता है। वो खेलते रहती है अगर मैं उसके साथ बात वगैरह करते रहती हूँ तो, नहीं तो फिर रोना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए मैं बोल बोल के खेल खेल के उसको तेल वगैरह लगा रही हूँ। और पीछे की तरफ आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा चिल्ला हल्ला और एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो जो थोड़ा थोड़ा आवाज़ है ना किलकारियों का, वो मेरी बेटी का आवाज़ है। वो मुझे बुलाने के लिए ऐसे ऐसे आवाज़ निकालते रहती है। और नीचे मेरा बेटा अभी खेल रहा है, ये दिन का टाइम है जब मैं इस वीडियो में वॉइस कवर कर रही हूँ, रात काफ़ी हो गया था इसलिए नहीं कर पाई थी। सो इसी वजह से थोड़ा जो आवाज़ है उस बाहरी बाहर का आ रहा होगा। सो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से तेल वगैरह मालिश करके, आज कपड़े नहीं बदलूँगी उसकी, मैं कपड़े में एक एक दिन गैप करके बदलती हूँ उसका, रोज़ उसका अंदर का जो है वो बदल देती हूँ, ऊपर का स्वेटर सेम रहता है। सो वो स्वेटर जो है वो सेम रहेगा और बाकी का सारा बाकी के सारे चीज़ें मैं चेंज कर दूँगी। तो तेल लगाने के बाद और फिर उसको थोड़ी देर सुलाने का कोशिश करूँगी। सोएगी तो इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा देर मुझे उसे घुमाना पड़ेगा बैल्कनी एरिया, थोड़ा सा उसे घूमने का आदत है, मम्मी का घर पे ये आदत लग चुका था उसका, पर अब मुझे यहाँ पे तो बाहर जाना नहीं होता है उतना ज़्यादा, मम्मी का घर पे तो बाहर भी चली जाती थी। सो यहाँ पे अब बैल्कनी वगैरह छत के ऊपर इसे यहीं पे घुमाना पड़ेगा। और यहाँ सो इसका तेल वगैरह लगा के मैंने अभी थोड़ा सा इसको तैयार नहीं किया है, बस तेल लगा के जो कपड़ा था वही पहनाया है, क्योंकि कल अच्छे तरीके से नहला धुला के लेके आई थी मैं इसको, तो अभी तक मेरा बिस्तर वगैरह नहीं उठा है कुछ भी, वो रहने दूंगी अभी, इसको अभी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा नहीं तो बेटी रोने लगेगी, थोड़ा सा घर वगैरह मेरा छीन जाए इस घर को अच्छी तरीके से पहचान जाएगी, उसके बाद जाके मैं जो है प्रॉपर वे अपना तरीके से काम वगैरह करूँगी। तो भात एक बार देखने चावल चढ़ाई थी ना मैं यहाँ पे किचन में, वो देखने आई थी, तो अभी वो हो रहा है चावल, तब तक मैं इसको बालकनी से एक चक्कर मार के आ जाऊंगी। चलो
थोड़ी देर उसको बालकनी में टहलाने के बाद अबू खेल रही थी, तो जल्दी से मैंने सोचा झूले पे बिस्तर कर लेती हूँ। तो मेरे पास एक छोटा सा तोशक टाइप का था, जिसको मतलब हम लोग इंडियन बनवाते हैं ना तोशक, रुई का ओ वाला, सो उसी को मैं अभी झूला में डालने वाली हूँ। तो इसको मैंने चार पार्ट में मोड़ लिया है और उसके बाद इसे ऐसे ही झूला में रख दूँगी, और उसके बाद जाके बेबी का मतलब गर्म रहेगा ना, ठंडी का दिन है तो नेट नेट टाइप का झूला है तो अच्छे से ज़्यादा मोटा बिस्तर रहेगा तो गर्म होके सोई रहेगी। सो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से बिस्तर करने के बाद इसे झूला में डाल दूँगी, और झूला में डालने के बाद मैं बाकी के काम धीरे धीरे करूँगी। और इधर ये हाथ पैर मार रही है, खेल रही है, और इसको झूला में डाल के मैं बिस्तर वगैरह साफ़ कर लूँगी। और थोड़े बहुत मुझे जो सामान है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब कहीं से आने के बाद घर का तो एक भी सामान मुझे मिल ही नहीं रहा है, पर जो मैं लेके आई हूँ वो में भी कुछ कपड़े ऊपर नीचे है जो, तो वो सब भी मुझे अलग अलग करने हैं। पर सबसे पहले मैं बिस्तर को साफ़ कर लूँगी। बिस्तर मेरा सुबह से एक बार भी साफ़ नहीं हुआ है, सो बिस्तर को साफ़ करने के बाद फिर मैं चीज़ें जो हैं वो सब ठीक ठाक कर लूँगी अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे बिस्तर को जो है साफ़ कर रही हूँ। एक छोटी सी मैंने डोलची टाइप, मैंने बास्केट है जिसको हम लोग डोलची बोलते हैं, हम लोग का लैंग्वेज है, बड़ा वाला जो ग्रीन कलर का, स्काई ब्लू कलर का सॉरी देख रहे हैं, वो भी डोलची है लेकिन बड़े साइज की, और वो छोटी वाली दवाई वगैरह रखने के लिए मैंने ख़रीदा था। तो अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे बिस्तर कर रही हूँ। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लीस मतलब ये ना ठंडियों में हल्की हल्की सर्दियों में ओढ़ने वाला ब्लैंकेट टाइप का ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मैं नहीं थी तो उसे बिस्तर पे बिछाना स्टार्ट कर दिया था। सो फिलहाल जब ये बिछी हुई है तो मैं कोई और चादर वगैरह नहीं बिछा रही हूँ, इसी को ही अच्छे तरीके से बिछा दे रही हूँ सीधा करके। और ये काफ़ी बड़ा है तो एक बार बिछाने अच्छे तरीके से अगर चारों तरफ से मैं ठीक से बिछा दूँगी ना, मतलब रजाई के अंदर ठीक से डाल डाल के अगर बिछा दूँगी तो उसके बाद ये बिगड़ेगा नहीं पूरा दिन, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसे ही ठीक ठाक करके बिस्तर पे बिछा देती हूँ। सो यही मैं कर रही हूँ। और उधर वो हाथ पैर मार रही है, देखते देखते रोना भी स्टार्ट कर देती, उसे अकेले रहना मतलब पसंद ही नहीं है, सिर्फ गोदी गोदी का उसे आदत रख चुका है। तो जल्दी से बिस्तर करने के बाद और उसके बाद फिर जाके मैं बेबी को लूँगी, लेकिन जब वो रोएगी तब फिर मैं बिस्तर करके घर में सुबह से मैंने झाड़ू भी नहीं मारा है आज, मतलब ऐसा दिन, अभी वो चिंती नहीं है कि कौन सा घर मुझे कहाँ लेके आ गई हो, कहने का मतलब उसका वो रहता है। सो इसी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाई थी, पर अब काफ़ी देर हो चुका था तो अब तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे जल्दी से मैं बिस्तर उठा लेती हूँ, फिर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी।
सारे कपड़े को तय करते करते देखते ही देखते अब शाम होने को आया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है। बीच में मैं बाबू को सुला के और कपड़े मतलब नहाया नहीं था मैंने आज ठंडियों के दिन में। मैं ज़्यादा मतलब नहीं नहा सकती मतलब ठंडा इससे छोटी वो लग जाएगा इसीलिए। सो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं पैर हाथ धो के और उसके बाद जाके फिर मैंने मेरे पास इस टाइप का एक प्लास्टिक का टेबल था उसके ऊपर मैंने अपने जो सारे बैग्स है उसके मतलब सामान के अकॉर्डिंग मैंने उसको टेबल के ऊपर रख दिया है। जैसे कि ये रेड कलर का जो लेगिज है उसमें लगेज है उसमें सिर्फ मेरा नया जो साड़ी कपड़ा है वही सब है। इस बैग में नए कपड़े हैं तो ज़्यादा खोलने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो मतलब कपड़े अभी तक उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो सब कपड़ा है ये तीनों बैग में। और जो डेली वेयर का है देव का छोटी बाबू का वो सब मैंने निकाल के अलग कर लिया है। जैसे कि छोटी बाबू का कपड़ा वो बड़े वाले एक बास्केट जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा सा हो रहा है सॉरी। और ब्लू कलर का बास्केट था ना उसमें मैंने बेटी का कपड़ा रखा हुआ है। देव का कपड़ा मैंने जो एक बड़ा वाला येलो कलर का बैग था उसी में रख दिया है। नया कपड़ा जैसे बंद करके लाई थी उसे ही बंद करके रख दूँगी। अभी ना मुझे घर के अंदर एक भी चीज़ नहीं मिल रही है और इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए अभी जगह भी नहीं है। सो पहले जगह बनाऊँगी फिर इन सब चीज़ों को मैं हाथ लगाऊँगी और अपने नीड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे चीज़ों को रख लिया है ताकि जो देव का कपड़ा छोटी बाबू का कपड़ा मेरा कपड़ा रोज़ के रोज़ मुझे मिल जाए। और यहीं पे मैं अभी इस टेबल के ऊपर सब कुछ सजा के रखने वाली हूँ। और देखते ही देखते देव ट्यूशन से भी आ गया था शाम का 6:30 करीब हो गया था। सो उसको आने के बाद वो जिद करने लगा था कि मुझे बाबू को गोद लेना है घुमाना है। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि बैठ के लो ऐसे लो ऐसे लो फिर भी वो नहीं मान रहा था। उसे घुमाना ही था बाबू को तो थोड़ा सा वो लेके यहीं पे मैं मतलब घूमता है बाबू को और तब तक मैं बोलती हूँ ठीक है मैं यहीं पे हूँ तुम थोड़ा सा लेके घूम लो तब तक मैं काम भी करते रहती हूँ और उसको देखते भी रहती हूँ। सो उसको पता नहीं क्यों समझता ही नहीं है कि छोटे बाबू को लेके ऐसे नहीं घूमना चाहिए पर उसको जीत लगा रहा था कि मुझे घुमाना है तुम सबको देती हो मुझे नहीं देती हो। तो थोड़ा सा मैंने जस्ट उसे दिया था कि यहीं पे घुमाऊँ नहीं तो ना मैं इधर उधर देखती तो खुद से उठाने का कोशिश करता तो क्या से क्या हो जाता इसीलिए मैंने खुद ही दे दिया उसको कि लो तुम थोड़ा सा घुमा लो तुम भी खुश हो जाओगे और तुम्हारा बात भी रह जाएगा। तो मैंने उसको दिया घुमाने के लिए 2-3 बार घुमाते ही उसके हाथ में दर्द हो गया उसने बाबू को रख भी दिया। सो देखते ही देखते अब ये सब करते करते मेरा रात हो जाएगा और उसको कुछ खाना था तो मैंने पैसे दिए जाओ जाके लेके आओ ये सब करके सब कुछ करने में देखते ही देखते रात हो गया था और फिर उसके पापा भी आ गए थे। कपड़ा है डेली पहनने का यही मैंने आज दिन से स्टार्ट किया था मैंने और रात का 7:30 बज गया मुझे इतना ही करने में मतलब बेबी लेके काम 2 गुना से 3 गुना टाइम लग जाता है होते होते। सो जस्ट यही हुआ है आज मेरा आज दिन भर में। ए दिख भी नहीं रहे हैं पापा ना बाबू ही दिख रही है। हाँ देखो देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है ना पापा का मुंह लाल लाल दिख रहा है कि लाल रोशनी पड़ रहा है ना। तो अभी रात का वक्त हो रहा है मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा आज का डिनर है गोभी का भुजिया है और ये रोटी है इसमें देव और उसका पापा का मैंने साथ में दिया है उसके पापा देव को खिला देंगे। और थोड़ा सा चावल मैंने ऐड किया है क्योंकि उन्होंने ना दिन में चावल नहीं खाया था तो इसलिए दिन का रह भी गया था इसलिए मैंने उनमें चावल ऐड किया। पता है मुझे उनको शुगर में ज़्यादा चावल नहीं देना चाहिए पर मैंने इस गोभी में आलू नहीं डाला है मैं ज़्यादातर सब्जियों में आलू नहीं डालती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे बस मैंने चावल ऐड किया है क्योंकि उनको खाने थे इसलिए। सो ये देखे जा रही हूँ मैं उनका खाना देने मेरी बेबी सो रही है और मैं भी साथ में ही खाना खा लूँगी। और यहाँ पे हो रहा है मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग और आज मैं गलती कर रही हूँ बार बार बोलने में क्योंकि गोद में मेरी बाबू है और वो जो है ना मेरी आवाज़ से उठ उठ जा रही है तो उसके तरफ ध्यान चला जा रहा है इसी वजह से मैं बार बार मेरे से बोलने में गलती हो जा रही है। तो यहाँ पे ना बर्तन धोने के बाद मैं फिर से उसे फीड कराने चली गई थी क्योंकि वो रोने लगी थी उठ के। तो बच्चे लेके तो जैसा कि आप सब मदर रिलेट कर पाएंगे इससे कि सारा काम छोड़ के पहले बच्चे को देखो चुप कराओ और उसके बाद जाके कोई और काम करो। तो मैं ग्लव्स खोल के गई थी उसको फीड कराने और आने के बाद मैं फिर भूल गई ग्लव्स वगैरह पहनना। सो यहाँ पे बस किचन साफ करके
फिर मैं ब्रश करके और उसके बाद चली जाऊंगी उसके पास। अभी वो सो रही है, उसी के पास जाके इस वीडियो को जो भी जितना भी एडिट करना है वो कर लूँगी। मैंने सोचा था वॉइस कवर मैं उठ के फिर बाद में कर दूँगी, लेकिन काफ़ी रात हो गया था फिर नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे यहाँ पे गोद में बेटी को लेके मैं इस वीडियो का वॉइस कवर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।